चिंटू पिंटू, हमें वो इंजेक्शन विदेश से मंगवाना पड़ेगा जल्द। हाँ डॉक्टर अंकल, आप मंगवा लीजिए वो इंजेक्शन, मैं कल ही पैसे जमा कर दूंगा। अच्छा बच्चों, तो कल पैसे जमा कर देना, मैं मंगवा लूंगा। तब चिंटू पिंटो और उसके दादाजी अस्पताल से सीधे ऑटो पकड़ के घर आ जाते हैं। मेरे ऑर्डर को अब कितना टाइम लगती? 1-2 दिन में आपका ऑर्डर आपके पास होगा। ऑर्डर हमारे पास होना ही चाहिए, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ठीक है, पर मेरे पैसे तैयार रखना। तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगी, पर काम होना चाहिए। चिंटू और पिंटू, तुम अपने रोबोट लेके जाओ और वो पैसे जमा कर दो। ठीक है दादाजी, हम हमारे रोबोट के साथ जाके वो पैसे जमा कर देंगे। तब चिंटू पिंटू उसके रोबोट के साथ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। कैसे हो चिंटू और पिंटू? बकू, हम दोनों को जाने दो, हमें बहुत जल्दी एक जगह जाना है। अरे रे रे, बच्चे डर गए मेरे मॉडिफाइड रोबोट से। कुछ दिन पहले एक दिन चिंटू पिंटू जॉनी और बकू ऐसे ही एक जगह गए थे। जो भी उस पत्थर पर चढ़ेगा वो हमारी टीम का लीडर होगा, अपुनिज बनेगा लीडर, झुकेगा नहीं साला। सबसे पहले चिंटू पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा हीरा भी था, वो देखकर वो और भी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। जैसे ही चिंटू उस हीरे को उठाने के लिए झुका, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। चिंटू मेरे भाई। तब चिंटू खड़े होने की कोशिश करने लगा। पिंटू फिकर मत कर, मैं ठीक हूँ। उस पत्थर से अचानक अजीब सी आवाज आने लगी और वो पत्थर गायब हो जाता है। उसमें से 4 रोबोट बाहर आ जाते हैं। तुम लोगों ने हमें ढूंढा है, इसलिए हम चारों 4 लोगों में बढ़ जाएंगे। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा हुआ। अरे नहीं, इन दोनों को भी रोबोट मिलेंगे, मैं इनसे छीन लूंगा। बको, हमें पता है कि मॉडिफाई होने के बाद तुम्हारे रोबोट ताकतवर हो चुके हैं, हमें जाने दो प्लीज। शाबाश चिंटू पिंटू, हमें ऐसी इज्जत देते रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे फिर। डॉक्टर अंकल, अब तो हमने पैसे भी जमा कर दिए, अब हमारे इंजेक्शन कब तक आएंगे? कौन सा इंजेक्शन, और तुम लोग कौन हो, तुमने मुझे कब पैसे दिए? ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ आ रहा है? निकलो यहाँ से, कौन सा इंजेक्शन और कौन से पैसे, तुम नहीं बचोगे अब। चिंटू और पिंटू, तुम मेरे डॉक्टर अंकल को ही परेशान कर रहे हो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो चिंटू उस डॉक्टर का पीछा करते करते अपने गांव में आ जाता है। बकू, तुम्हें तुम्हारे अंकल की सच्चाई नहीं पता, बाजू उठो। बकू और जॉनी, देखो ये दोनों लड़के मुझे हर जगह परेशान करते रहते हैं। चाहो तो मैं ये साबित कर सकता हूँ, बकू और जॉनी, इसने मेरे बहुत सारे पैसे हड़प लिए। झूठे रोबोट, मारो इन्हें। तब चारों रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। सारे रोबोट जादुई थे, पर बकू और जॉनी ने उनमें मॉडिफिकेशन करके उन्हें बहुत ताकतवर बनाया था। बकू और जॉनी के रोबोट उन्हें बहुत मार रहे थे। सारे रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे, पर आखिर में चिंटू और पिंटू हार ही जाते हैं। अरे नहीं, मेरे रोबोट तो हार गए। तब वो डॉक्टर वहां से निकल जाता है। अंकल ऐसे बिना बताए कहां जा रहे? कहीं चिंटू पिंटू सच तो नहीं बोल रहे? देखो बकू, तुम्हारा अंकल कैसे भाग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम और चिंटू अंकल का पीछा करो, तब तक मैं रोबोट ठीक करता हूँ। ठीक है, मैं उनका पीछा करता हूँ। तब वो डॉक्टर सीधा जंगल में आ जाता है। वहाँ पर जिन दोनों को इंजेक्शन की जरूरत थी, वो और डॉक्टर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मियाँ खुश हुआ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगी, मुझे तुम लोग कैश में ही पेमेंट कर देना। चिंटू और जॉनी भी वहाँ पर आ जाते है। अंकल आपने अच्छा नहीं किया, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। रोबोट्स जाओ, उनके रोबोट को धूल चटाओ। अरे नहीं, ये दोनों यहाँ पर कैसे टपक पड़े? रोबोट्स जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रोबोट्स का खात्मा कर दो। वहाँ पर उन रोबोट में फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेहद मारने लगे।
बकू का रोबोट उन रोबोट्स पे भारी पड़ रहा था। सारे ही रोबोट एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह हुई ना बात रोबोट। तब वो रोबोट फिर से खड़ा होकर उस रोबोट को मारने लगा। उस रोबोट के घातक वारों से बकू का रोबोट नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब क्या करोगे चिंटू तुम? तब वहाँ पर पिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाता है। यस पिंटू, हमें पता ही था तुम हमारी मदद के लिए जरूर आओगे। फिकर मत कर चिंटू, अब हम चुन चुन के बदला लेंगे। चिंटू पिंटू के दोनों ही रोबोट उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। आखिर में चिंटू के रोबोट की वार से वो रोबोट ढेर हो जाता है। यस, अब तुम्हें कौन बचाएगा डॉक्टर? शांतिपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। वो दोनों काफी गरीब थे। उसके पापा मजदूरी कर चिंटू का पेट भरते थे। उसकी माँ बरसों पहले ही गुजर गई थी। वो दोनों वहाँ पर एक टूटे फूटे घर में रहते थे, लेकिन उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। तब चिंटू मजे से मैदान पर खेल रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त जॉनी अपना रोबोट लेकर उस जगह पर आ जाता है। क्या कमाल का रोबोट है जॉनी, कहाँ से लिया तूने ये रोबोट? देखो चिंटू, मैं तुम्हारे जैसे फटीचर को यह बात तो नहीं बताने वाला। तुम बहुत होशियार हो ना, तुम हमेशा स्कूल में टॉप करते हो। तुम्हारी वजह से स्कूल में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, ना ही टीचर, ना ही बच्चे, ना ही मेरे खुद के दोस्त। इसलिए आज मैं तुम्हें से बदला लेने आया हूँ। देखो जानी, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे आगे जीवन चलाने के लिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। अब बहुत बोल रहे चिंटू तू, अब तेरा मुंह मुझे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही इस गांव का एक लौता अमीर लड़का हूँ। जाओ रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो जॉनी का रोबोट चिंटू की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा। वो चिंटू को ज्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मारने लगा। इसके कारण चिंटू को चोटें आने लगी। वो उसे हर रोज मारने लगा, डराने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जॉनी बेशर्म की तरह, कुत्ते की तरह हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। एक दिन चिंटू जॉनी के हरकतों से थक कर अपने पिताजी को सारी बातें बता देता है। देखो चिंटू मेरे बच्चे, हम लोग काफी गरीब है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैंने उसे डांट भी दिया तो अपने वो पापा से कह के मुझे इस गांव से ही निकाल देगा। इससे अच्छा है तुम उससे बात ही ना करो, अपने घर पर ही खेलते रहना। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर चिंटू को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में तीन शिकारी भाइयों ने एक सफेद शेर को पकड़ रखा था और उसे बेचने का प्लान कर रहे थे। वहां से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस सफेद शेर की मदद नहीं की। तब चिंटू अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उसी जंगल में आ गया था। तभी वहां पर चिंटू ने देखा कि वहां कुछ लोगों ने एक सफेद शेर को पकड़ लिया है। अरे यार, वो लोग उस शेर के साथ क्या कर रहे, लगता है वो उसे बेचना चाहते। अरे यार, वो बेचारा शेर, इसमें उसकी क्या गलती है, मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तब चिंटू उस शेर को छुड़ाने के लिए एक आइडिया सोचने लगा। तब चिंटू उन लोगों की तरफ भागते हुए आने लगा और कहने लगा, भागो भागो पापा भागो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए, आप लगते या मत काटिए, भागो। चिंटू की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों भी वहां से दुम दबाकर भागने लगे। तब चिंटू सफेद शेर की तरफ बढ़ने लगा और उस सफेद शेर पर जिस तलवार से वार किया गया था वो तलवार निकालने लगा। तब चिंटू फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगा किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए। रुको चिंटू। तब चिंटू अचानक से पीछे मुड़ गया। तभी उसने उसी शेर को खड़ा देखकर और उस शेर के शरीर पर काफी घने देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। अचानक इसे शेर को देखकर चिंटू काफी डर गया था, उसकी हवा टाइट हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ से कहाँ जाए। चिंटू मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ घायल पड़ा था, वो तीनों मुझे बेचने की फिराक में थे, यहाँ से अभी तक काफी लोग चले गए थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं रुका। तुम ऐसे एक लौते इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुका है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमारे गाँव में जॉनी नाम का एक लड़का है, वो बहुत अमीर है, उसके पापा ने उसके लिए एक रोबोट ला दिया है। वो उस रोबोट से सबको सताता रहता है, मुझे तो हर रोज सताता है। आप सिर्फ मुझे एक जादुई रोबोट ला दीजिए।
तब उस शेर ने अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक जादुई रोबोट ला दिया। उस रोबोट को देखकर चिंटू काफी खुश हो गया था। तब चिंटू उस शेर से शुक्रिया कहने लगा। कुछ देर बाद चिंटू अपना जादुई रोबोट लेकर जॉनी के पास आ गया। क्यों चिंटू अपना फटीचर रोबोट लेकर मेरे सामने आ गए? तुम भी फटीचर, तुम्हारा रोबोट भी फटीचर, तुम्हें शर्म नहीं ये रोबोट मेरे सामने लाते हुए? देखो जॉनी, मैं तुम्हें अपने रोबोट से लड़ने की चुनौती देता हूँ। अगर इस चुनौती में मेरा रोबोट जीत गया तो इसके आगे से तुम किसी बच्चे को परेशान नहीं करोगे। बोलो, तुम्हें चुनौती मंजूर है? हाँ, मुझे चुनौती मंजूर है। रोज तुम्हारे बिना हाथ पैर तोड़े मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरा एहसान मानने चाहिए, इसके बावजूद तुम रोबोट फाइटिंग करवा रहे हो। जाओ रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो। जॉनी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें इस रोबोट से कुछ भी नहीं करूंगा। हम फिर से एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते। मैं डर ही गया था चिंटू, अब मेरा क्या होगा? तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही दोस्त चाहिए।